Assalamu alaikum students, how are you? I am here with division word problems. Today we are going to do division with word problems. हम इबारती सवालात करेंगे तकसीम के अमल के साथ. और इबारती सवालात करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि स्टेटमेंट को हम इबारत को 3 से 4 बार गौर से पढ़ते हैं ताकि हमें सवाल की अच्छी तरह से समझ आ जाए. उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी ये क्ल्यू वर्ड्स. जब हमारे पास इबारती सवाल आते हैं तो हमें कैसे मालूम होता है कि हमने तकसीम करने हैं, ज़रब करने हैं, जमा करने हैं या माइनस करने हैं. यहाँ पर डिवीजन के लिए कुछ क्ल्यू वर्ड्स हैं. पहले हम इनको पढ़ लें, उसके बाद हम आएंगे सवाल की जानिब. लेट्स स्टार्ट टू रीड नाउ. हाउ मैनी विल ईच गेट, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, शेयर्ड, डिवाइडेड, इक्वल, मीन इक्वली. जब हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट में ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पर ये बात आ जानी चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को तकसीम करने लगे हैं, डिवीजन करने लगे हैं. लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस क्वेश्चन नाउ. सारा हैज 20 रुपीज़. सारे के पास कितने रुपीज़ हैं? 20 रुपीज़. शी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग 4 फ्रेंड्स. अब वो इन 20 रुपीज़ को अपने 4 फ्रेंड्स में तकसीम कर रही है. हाउ मच रुपीज़ ईच फ्रेंड विल गेट. हर एक दोस्त को कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो बेटा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न का मतलब होता है कि हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं, यानी जो टोटल नंबर है उसमें हम बार बार माइनस करेंगे तब तक जब तक कि आंसर हमारे पास 0 आता है. इसके बाद हम वही अमल डिवीजन के साथ दोबारा करते हैं. स्टार्ट करते हैं हम इसको. टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने हैं? 20. तो हमने क्या करना है, इसके साथ इस इबारत को भी लिखेंगे. सारा हैज रुपीज़. सारा के पास कितने रुपीज़ आए? 20. अब हम मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको माइनस करेंगे. पहले हम इसको माइनस वाले तरीके से करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवीजन वाले तरीके से करेंगे. चलिए, 20 में से हमने इस 4 को बार बार माइनस करना है. 20 में से 4 माइनस करें, निकालें. जी, आंसर आया 16. क्या अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पर लिख लें कि हम बार बार 4 माइनस करने वाले हैं. आंसर आएगा 16. इसके बाद इस 16 में से हम फिर इस 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, 16 में से 4 माइनस करें जी, 12 आंसर आया यहाँ पर. 12 हमारे पास जो आंसर आता है हम उसमें से इस रकम को माइनस करते हैं, ना कि बार बार हम 20 में से करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8. नाउ अगेन, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. आगे बढ़ेंगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. जी तो बच्चों, मैंने आपको यही बताया था ना कि जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता हम इसको माइनस करते चले जाते हैं. 20 में से 4 माइनस किए, 16 आया. 16 में से 4 माइनस किए, 12 आ गया. 12 में से फिर 4 माइनस किए, 8. 8 में से 4 माइनस किया, 4. और जब 4 में से फिर 4 को माइनस किया तो सिफर आंसर आ गया हमारे पास. तो हमने ये देखना है कि हमने माइनस के अमल को कितनी बार दोहराया है. 1, 2, 3, 4 and 5. हमने कितनी बार माइनस किया? 1, 2, 3, 4, 5. तो हम इस 5 को इक्वल के निशान के बाद लिख देंगे. जितनी बार हमने माइनस किया वो नंबर यहाँ पर आएगा. अब हम अगेन इसी अमल को डिवीजन वाले मेथड से करेंगे. क्या था? सारा हैज रुपीज़ 20. हाउ मैनी रुपीज़ सारा हैज़? 20.
this symbol will be added here. 20 divided by 4 friends में divide किया ना उसने 4. तो बेटा जैसे multiplication में table पढ़ते हैं, same division वाले questions में भी हमें tables का आना बहुत ज़रूरी होता है. चलिए अब हमने किसका टेबल पढ़ना है, 4 का. कहाँ तक पढ़ना है, जब तक कि हमारे पास आंसर 20 नहीं आता हम 4 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे. पढ़िए मेरे साथ. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16 एंड 4 फाइव ज़ा 20. तो हमें 20 कहाँ पर मिला, 5 पर. 4 फाइव ज़ा 20. जिस नंबर पर हमें टोटल नंबर मिलता है वो आंसर काउंट होता है. ओके, 4 फाइव ज़ा 20. अब हमने देखा कि जब हमने माइनस किया तो भी आंसर 5 आया, जब हमने डिवाइड किया तो भी आंसर 5 आया. स्टूडेंट्स, तरीके दोनों ठीक हैं, लेकिन क्योंकि इस तरीके के साथ हमें क्विकली आंसर मिलता है इसलिए हम इसको डिवीजन करते हैं, ना कि सब्ट्रैक्शन. ये जस्ट मैंने आपको आपकी बेहतरीन लर्निंग के लिए प्रोसीजर बताया है. ठीक है, अब हमें क्या पता चला, ईच फ्रेंड गुड, हर फ्रेंड को क्या मिला, 5 रुपये. ईच फ्रेंड गुड 5 रुपीस, 5 रुपीस. नाउ अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इबारती सवालात की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके. अब हम मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.